हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीडियो के प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रिडिक्शन, की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बन रहे हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले क्रिकेट का महाकुंभ यानी इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि रिसेंटली काफ़ी सारे मैच भी कंप्लीट हो चुके हैं, जहां पे हर एक मैच में हर एक टीम का काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी देखने को मिला। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले IPL के 48वें मुकाबले के बारे में, जो कि टीम इंडिया के दो दिग्गजों की जोरदार टक्कर होगी, जहाँ पे दो दिग्गज टीम जो कि लखनऊ और मुंबई के बीच IPL का मैच नंबर 48 खेला जाएगा, जिसमें एक तरफ रोहित शर्मा की मुंबई है तो दूसरी साइड हमें KL राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स देखने को मिलेगी। तो दोनों ही टीम पिछला मुकाबला हार के आ रही, यह मैच 30 अप्रैल को लखनऊ के अटल बिहारी कन्ना स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस में सीजन का अपडेट चाहिए तो हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। अब अगर बात करते हैं चलते दोनों टीमों का हेड टू हेड देखते हैं, जहाँ पे दोनों के बीच में टोटल 4 मैच खेले गए, जिसमें से मुंबई 1 मैच जीत के आ रही थी, वहीं पर लखनऊ 3 मैच जीत के आ रही है। अब अगर बात कर देंगे पिच रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे लखनऊ के पिच हमेशा बॉलर्स को सूट करती है, स्पिनर्स को यहाँ पे हेल्प मिलती है, बैटर को शुरुआती ओवर प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे सेकंड इन में ड्यू फैक्टर भी देखने को मिल सकता है, यहाँ पे टॉस जीत कर टीम पहले बॉलिंग करना पसंद करेगी, लो स्कोरिंग मैच हो सकता है। इस पिच पर आज तक IPL में 200 से रन ज़्यादा नहीं बना है। अब अगर बात कर देंगे वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मैच के दिन में मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 13% रहेगा और टेम्परेचर 39°C रहेगा। तो आगे बात करते हैं विनिंग परसेंट देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 50% जीतने का चांस है, तो ही बॉलिंग फर्स्ट का भी यहाँ पे 50% जीतने का चांस है। अब आगे बात करते हैं अवर स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग का अवर स्कोर 161 है, तो वहीं पर सेकेंड इनिंग का अवर स्कोर 152 है। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी पहली टीम लखनऊ सुपर जायंट्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहां पे टीम ने टूर्नामेंट अब तक अनकंसिस्टेंट होकर परफॉर्मेंस किया। लास्ट गेम में टीम को स्थान से हार मिली थी, उसके बावजूद टीम ने टॉप 4 में जगह बनाई, टीम ने 7 बैटिंग ऑप्शन के साथ मैदान में उतर रही है। टीम के ओपनिंग के लिए बात करें जो कि क्विंटन डिको और KL राहुल कर रहे हैं, राहुल टीम के लीडिंग रनर स्कोरर भी है, जहाँ पे दीपक हुड्डा ने लास्ट गेम में सेशन का पहला मुकाबला यानी 50 मारा था लोअर ऑर्डर में, जहाँ पे मार्कस स्टोनी, निकोलस पुरर जो कि लगातार दोनों रन भी बना रहे। वहीं टीम की बॉलिंग लास्ट गेम में फ्लॉप चल गई थी, टीम बिग टारगेट सेव नहीं कर पाई थी, न्यूजीलैंड के पेसर मैट हैनी ने अच्छी बॉलिंग की थी, मोहसिन खान जो कि लास्ट गेम में बहुत महंगे पिट गए, तो वहीं पर यश ठाकुर जो 10 विकेट के साथ टीम के टॉप विकेट टेकर भी है। वहीं स्पिन बॉलिंग में जहाँ पर रवि बिश्नोई और कृणाल पांड्या जो कि इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहे हैं, लास्ट गेम में अमित सिमरा को इस साल पहली बार खेलने का मौका मिला था। वहीं पर मयंक यादव की फिटनेस रिपोर्ट के अनुसार वो अभी कुछ मैचों से बाहर होंगे। अब बात करते हैं लखनऊ का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि क्विंटन डिकॉक है, KL राहुल है, दीपक हुड्डा है, निकोलस पुरन है, आयुष बदोनी, मार्कस स्टोनिस, कृणाल पांड्या, रवि बिश्नोई, मैट हैनी, मोहसिन खान, यश ठाकुर। अगर इंपैक्ट प्लेयर में बात करें जो कि अश्विन कुलकर्णी, एम सिद्धार्थ, अमित मिश्रा, के गौतम, अरशद खान। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि KL राहुल है, निकोलस पुरन है और यश ठाकुर है। तो फाइनली तो बात करते हैं दूसरी टीम यानी मुंबई इंडियंस का शॉर्ट एनालिसिस कर रहे हैं। जब से मुंबई ने हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया है, मुंबई टीम के लिए प्रॉब्लम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इतने स्टार प्लेयर होने के बावजूद टीम एकजुट होकर परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है। अब तक टीम ने 9 मैच खेले हैं, जिसमें से 6 मैच में हार मिली है। लास्ट गेम में टीम की हाई स्कोरिंग मैच में जहां पे दिल्ली ने 10 रन से हरा दिया था। अब यहां से टीम को प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए हर मैच जीतना होगा। टीम की बैटिंग बहुत ही स्ट्रांग है, ओपनिंग में बात करें ईशान किशन के साथ रोहित शर्मा उतर रहे हैं, ईशान के परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी की कमी दिख रही है। रोहित ने अब तक 311 रन बनाए, तिलक वर्मा में 336 रन बनाए, रन के साथ टीम के लीडिंग स्कोरर भी है, जहाँ पे सूर्य कुमार यादव टीम्स को बड़ी इनिंग की उम्मीद होगी। लोअर ऑर्डर में जहाँ पे टीम डेवी जो कि तेज स्टैक रोटेट से बैटिंग करते हैं, हार्दिक पांड्या जो कि लास्ट गेम में 46 रन बनाए थे। वहीं अगर बॉलिंग में बात करेंगे टोटल 6 बॉलिंग ऑप्शन के साथ मैदान में उतर रही है मुंबई की टीम। बॉलिंग में जहाँ पे जसप्रीत बुमराह जो कि 13 विकेट लेकर साथ टीम के लीडिंग विकेट टेकर भी, वहीं पर साउथ अफ्रीकी पेसर जयाल कोजी के जगह लुकआउट को मौका मिला था पिछले मैच में, उन्होंने 4 ओवर में 68 रन दे दिए, इस मैच में वो ड्रॉप हो सकते हैं। स्पिन बॉलिंग में जहाँ पे मोहम्मद अमी एंड पीयूष चावला खेल रहे हैं, नुवन तुषारा भी लास्ट गेम में बहुत मांगे रहे हैं। अब बात करते हैं मुंबई का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, टीम डेविड, हार्दिक पांड्या, निहाल वडेरा, पीयूष चावला, मोहम्मद अमी, जयाल कोजी, जसप्रीत बुमराह। अगर इंपैक्ट प्लेयर में बात करेंगे जो कि डिवाल ब्रेविस, रोमारियो सैफ्रेड है, हार्दिक देसाई है, नमन धीर है, आकाश मारवाल है। अब बात करते हैं कुछ की प्लेयर देखते हैं
जो कि रोहित शर्मा, तिलक वर्मा और जसप्रीत बुमराह। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते विनर की ओर। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स होगा, यहाँ पे मुंबई इंडियंस को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसे लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।